अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, खैरियत। तो दोस्तों, आज का व्लॉग है जो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल वाले आइकन को प्रेस। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि ये आज का व्लॉग किस बारे में है, किस टॉपिक पर है, तो उसके बाद मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैं इधर आया हूँ विली वाली साइड पर, क्योंकि मुझे विलेज की जो नेचर है, हर चीज़ खालस है, चाहे वो इंसानों का प्यार हो, दूध हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ खालस मिलती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की पसंद होगी पहाड़ों पर जाना, बिल्डिंग्स देखना, यूरोपियन कंट्री विजिट करना, लेकिन मुझे विलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं भी विलेज से बेसिकली ताल्लुक़ रहता था। अब हम शहर में आ गए। तो दोस्तों, मैं बताऊँगा कि मुबशर सदीक एक छोटे से कस्बे से इतने बड़े यूट्यूबर कैसे बन गए। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ बिना वक्त को ज़ाया किए हुए और अपना व्लॉग है जो शुरू करें। तो दोस्तों, जो मुबशर सदीक एक छोटे से कस्बे सियालकोट से निकलकर इतने बड़े यूट्यूबर कैसे बन गए, तो चलते हैं मैं आपको बताता। तो सारी हकीकत मैं आपको वाजह करता हूँ, गूगल इनको प्रमोट क्यों कर रहा है, तो बताता चलूँ कि मुबशर सदीक सियालकोट के रहने वाले हैं। ये पहले फ़ुटबॉल कंपनी में काम करते थे। जब वीकेंड की छुट्टी पर आते तो ये अपने घर वालों के लिए कुछ डिशेस बनाते थे। तो इनके भाई मुदस्सर ने इनको मशवरा दिया, तो आप खाना वगैरह तो बना ही लेते, क्यों ना आप इस पर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करें। तो उन्होंने एक दो वीडियो अपलोड की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तकरीबन 6 महीने उन्होंने काम किया, कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी 2-3 वीडियो वायरल हुई, जिसकी वजह से सारी वीडियो को जो बेनिफिट मिला और आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर है। अकेले वो ही नहीं, उनके साथ ज़ैनुल आबदीन और उनके भाई मुदस्सर भी उनके साथ हैं। वो व्लॉगिंग शूट करते हैं, जबकि मुबशर सदीक जो है विलेज फूड सीक्रेट का चैनल है, साथ उन्होंने भी व्लॉगिंग है जो शुरू कर ली है। सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत के बलबूते पर ही इतने आगे गए हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, गूगल कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ये सिर्फ लोग अपना जो चैनल पर वीडियो बनाने के लिए उनके मुतालिक बातें करते हैं, गूगल उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा। सिर्फ लोग जो बेहुदा यानी कि किस्म की वीडियो बनाते हैं कि गूगल क्यों प्रमोट कर रहा है, ऐसा है वैसा, कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी मेहनत आगे लेकर आई है, किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया, सिर्फ उनकी मेहनत है जो रंग ले आई, जिसकी वजह से वो इतने बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। इसके अलावा ज़ैनुल आबदीन के व्लॉग भी मैं देखता हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, शायद आपको भी पसंद आए हों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग है जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।